समुद्री हवाओं की नमी के बीच गुजरात राज्य में सूरत से करीबन 120 किलोमीटर दूर अरब महासागर के तट पर बसता है एक छोटा सा शहर उदवाड़ा। ये छोटा शहर विश्व भर के पारसियों के लिए एक पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ स्थित है उनकी श्रद्धा का मुख्य केंद्र ईरानशाह आतश बहराम। One of the oldest and the largest fire temple in India. ये हमारा सबसे प्रमुख धार्मिक स्थान है। जैसे समझ लीजिए कि वाराणसी हिंदुओं के लिए होता है, मक्का मदीना जो मोमेडन के लिए होता है, वेटिकन जो क्रिश्चियन के लिए होता है, ये हमारे पाक ईरानशाह साहिब जो है, ये हमारे पारसी रिलीजन के सेक्रेट फायर है। हमारा कनेक्शन यहाँ पे हर साल में प्रैक्टिकली एवरी मंथ हम आते हैं। I have come from Surat. My both hips are broken. I cannot walk, but because of this faith, I have come over here. मैं आज जो भी हूँ, ये ईरान शाह की दुआ से, उनका प्रेयर करने से, उनका सामने नमन करने से, उन्होंने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के आज जो मेरी पोजीशन है, वो इनकी वजह से है। टाइम ये फायर टेम्पल में आती थी तो गॉड को स्पेसिफिकली प्रे करती थी कि आई वांट टू गर्ल्स एंड अ सन, कहते क्योंकि आई एम एन ओनली चाइल्ड, आई लॉस्ट माय मदर व्हेन आई वाज 16, सो मैंने बहुत सारा बचपन अकेलेपन में काटा है, तो मुझे एक बड़ा फैमिली चाहिए था। पारसीज़ को वैसे ही लेट मैरिजेज और उसके कारण चिल्ड्रन थोड़े कम होते हैं या नहीं भी होते हैं, तो एक बहुत ही पर्सनल ख्वाहिश थी हमेशा यहाँ आके कि लेट मी बी ब्लेस्ड विद अ बिग फैमिली, और वो बहुत अच्छी तरह पूरी हुई। सो आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल टू ईरानशाह। पारसियों के लिए अपने ईश्वर का प्रतिबिंब है अग्नि। उदवाड़ा में स्थित इस अग्यारी में सदियों से प्रकाशमान इस पवित्र अग्नि के दर्शन के लिए पारसी समुदाय के लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस अखंड ज्योत को पारसी ईरान शाह आतश बहराम के नाम से जानते हैं। बहराम यानी विजय की लौ। Our environment oriented religion. We don't even have a statue of our God. We don't believe in statues. So we worship our God through his creations. And the most fine and the most pure of his creation is the fire. Atash means fire and Behram is the victory. So this is a fire of victory. And this particular Atash Behram is not known as Atash Behram, it's known as Iranshah. Iranshah means king of Iran. Since we left Iran, we knew that we will never be able to have our king in this foreign land. We will never be able to go back to Iran, because this political situation changed completely. So this fire was named as Iranshah, to whom you can look forward as a king, for whom you can look forward as your guide, your philosopher, your friend. We originally Iran mein the.
जब हमें उस कंट्री को छोड़ के हिंदुस्तान की तरफ आना पड़ा तो हम उनको साथ में लाए. सो इट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस फायर फॉर अस. When we were coming to India, that time our ships were caught in a storm. So we asked the angel Behram to help us. That time we had promised that wherever we land, we will make Atash in his name. So that is why it is Atash Behram. Udvada se 45 kilometer dur basa hai Sanjan. जहां पहली बार पारसी ईरान से भारत में आए थे. उसी जगह पे आतश को दर्शाता एक स्मारक बनाया गया है जिसे संजान स्तंभ कहते हैं. जब हम लोग ईरान से आए थे उस टाइम हमारे जो दस्तूर जी थे वो आतश उन्होंने स्थापना की थी संजान के पास. वही आतश वहां से निकल के नवसारी से बांसदा से कुछ आगे एक हजराई करके है, फिर सूरत से वापस नवसारी से बलसार से फिर लास्ट में उड़वाड़ा आए थे. और ये आतश तभी से जल रहा है. जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ. Download the Epic On app.